रूपा जी, बात करें अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में कल को काफी शानदार बढ़त देखने को मिली थी। हमने देखा था कि सोयाबीन जो कि काफी महीनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड करती नजर आ रही है, एक रेंज में देखने को मिली थी, नीचे में 6,000 और ऊपर में 6,500, वही सोयाबीन कल 6,600 के भी पार निकलती नजर आई थी। सोयाबीन में 3% का ऊपरी सर्किट भी लगा था काफी दिनों के बाद। ऐसे में आपको क्या लगता है, यूएस सोयाबीन वायदा जो $1,570 के आसपास है, और वायदा में अब घरेलू वायदा में भी 6,600 का लेवल टूट चुका है सोयाबीन का, तो क्या ये मान लिया जाए कि यहाँ से अब सोयाबीन में बढ़त का दौर जारी हो गया है? देखिए, सोयाबीन में फंडामेंटल तो सपोर्ट था ही और विदेशी बाजार भी काफी अरसे से तेजी जी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत मांग निकली है और बाजारों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई दिखाई दी है। ट्रेंड तो पॉजिटिव है और अभी जो हम देख रहे थे कि इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्राइजेस जो है वो ठंडे रह सकते हैं, उसमें तेजी फिलहाल कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ सकती है। तो अभी लगातार बाजारों में जो ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते सोयाबीन के जो है वो तेजी बनती हुई जरूर दिखाई दी है और घरेलू मांग में भी हल्की बढ़ोतरी आती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब यहां से हो सकता है कि बाजार पॉजिटिव ही रहे और तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे। जी,